मैं बिमला। आज हम मीठा चावल बनाएंगे। इसे मीठा चावल या मीठा पुलाव बोल सकते हैं। मीठा चावल बनाने के लिए हमने एक कप बासमती राइस लिया है। जितना चावल लेंगे हमको उतना ही चीनी लेना होगा। यदि आप मीठा कम खाते हैं तो थोड़ा कम ले सकते हैं। तो हमने एक कप बासमती राइस, एक कप शुगर, कुछ आलमंड्स, इलायची, कलर, केसर, घी। अब हम बनाते हैं। चावल हमने एक घंटा पहले सोख करके रखा है। अच्छे से इनको धो के अभी मैं पानी निकाल दी इनका। गैस पे हमने एक टोपिए में करीब एक लीटर पानी चढ़ा दी हूँ। मैं ये चावल खुले उबालूंगी और बॉयल्ड होने पे हम इसमें चावल डालेंगे। बॉयल्ड होने पे पहले हम कलर डालेंगे, कलर के बाद चावल डालेंगे। पानी बॉयल्ड हो रहा है, अब हम इसमें ये फूड कलर डालेंगे। हमने ये येलो कलर लिया है, येलो ऑरेंज कलर है। ये आधा चम्मच कलर लिया है हमने, कोई भी फूड कलर ले सकते हैं आप। पानी बॉयल्ड हो रहा है कलर के साथ, अब हम इसमें ये भिजे हुए चावल डालेंगे। कलर कुछ कम बेसी हो सकता है क्योंकि कलर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। ये चावल सीज रहे हैं, इन्हें हम बीच बीच में स्टर करेंगे। खुले इन्हें हम 80% पकाएंगे, इन्हें पूरा गलने नहीं देंगे। हमने कुछ बादाम इस तरह से काट लिए हैं, 4-5 पीस इलायची हमने कूट के रखी है। चावल सीज रहे हैं, तब तक हम इन्हें बीच बीच में चलाते रहे, स्टर करते रहेंगे। चावल को हमने सोक कर दिया था इसलिए ये जल्दी सीज जाएंगे। हम चावल को छू के देख रहे हैं। हम चावल को पूरा गलाएंगे नहीं, हम इन्हें 80% पकाएंगे। ये हो गए, हम इनको इस गैस को ऑफ कर रहे हैं। हम चावल को छान ले रहे हैं। बहुत ही बड़े बड़े हो गए राइस। अब गैस पे एक कढ़ाई थोड़ी मोटी हो जिससे हमारे चावल लगे नहीं। कढ़ाई के ये गरम होने पे हम इसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी के गरम होने से ये हम ये छाने हुए चावल को डालेंगे, इनको धीरे धीरे डालेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है, अब इनको धीरे धीरे चलाएंगे। ज्यादा नहीं चलाना है, नहीं चावल टूट जाएंगे। ये मीठे चावल बसंत पंचमी पे तो पक्के ही हर घर में बनाए जाते हैं और हमारे घर तो सबको बहुत ही पसंद है। अब हम इस पे चीनी डाल देंगे। चीनी थोड़ा अंदाज से भी है, जिसके जो जिनको कम खाना वो कम भी डालेंगे। यदि आप चीनी नहीं खाना चाहें तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ से भी मीठे चावल बहुत टेस्टी बनते हैं। हमारे यहाँ तो सरस्वती पूजा पे सरस्वती जी को मीठे चावल का भोग लगता है। चीनी गल गई है, अब हम इसमें ये हमने कुछ केसर भिजा रखी है, ये केसर डाल देंगे। हम पूरा चावल केसर से भी बना सकते हैं लेकिन इतना अच्छा कलर नहीं आएगा। ये पीले चावल का कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर देना ही पड़ता है और ये केसर से बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा बादाम देंगे, ये कटे हुए कुछ बादाम डाल दिए। चीनी पूरी गल चुकी है, इलायची ये देखिए हम इनको मिला दिए। केसरिया चावल रेडी है। इन्हें बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगती है।
ये हमारे पीले चावल रेडी है और मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। ये थोड़ा सा ठंडा होने से पूरे चावल खिल जाएंगे। अभी चीनी की वजह से, चीनी ठंडी होने से चावल अलग अलग हो जाएंगे। मीठे चावल रेडी हैं, इन पे हम थोड़ी सी केसर डाल दिए, कुछ कटे हुए बादाम डाल दिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से केसर की। ये मीठे चावल रेडी हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए।